हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप लोग, होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं किचन से सीधा ब्लॉग इसलिए कर रही हूँ, मम्मी का मैंने ले रखा है सर पे क्योंकि अभी अभी मैंने हेयर मास्क लगा के बालों को धोया है। और यहाँ पे आज मैं किचन से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे गर्मियों के लिए मखाने की खीर। और उसके लिए मैंने दूध यहाँ पे अभी थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया है, इसको थोड़ा सा और पकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जल के कम हो जाएगा। और बहुत ही कम सी खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शाम को भी कुछ ना कुछ भोग में बनाना ही है और खाने वाले सिर्फ हम तीन लोग हैं और गन्नू जी हैं जिनको भोग लगाना है, दैट्स इट। तो इसलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और मुझे आज जाना है वतन के साथ कहीं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। अभी मैंने ये वाली कुर्ती इसलिए पहन ली है बिकॉज गन्नू जी की पूजा करने के बाद फिर मैं चेंज कर लूँगी। सो गाइस, पूजा हो गई है, अब मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ। नीचे मैंने पैंट पहन ली है, बस टॉप टॉप चेंज करना रह गया है और फटाफट मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप में कुछ नहीं करूँगी, हल्का फुल्का करके रेडी होके घर से निकलने के टाइम पर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आपके लिए सवाल है वतन, आपको कैसा लगता है आप फेमस हो रहे? पहले बात तो मुस्कुराइए, आप ब्लॉग में है नहीं, आप ब्लॉग में है वतन मुंह दिखाने लायक नहीं है उसको, बड़ा क्या कह रही है उसको ना बड़ा दाढ़ी बढ़ाने का शौक था, आया था सबको सरप्राइज देने के लिए, उसको सरप्राइज मिल गया, सबके तरफ से रिजेक्शन मिल गया। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए, वतन ने इतना लेट कर दिया आने में। देखो क्या कह रही है वतन ने इतना लेट कर दिया आने में, और इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे नारियल पानी को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कितनी मेहनत करी, ऊपर पता एसी चलाया नहीं आलस में और फैन ऑन किया नहीं क्योंकि अगर वीडियो खराब बनती, हालत देख रहे पसीने से, हार्ड वर्क पता नहीं कब पे करेगा टाइसन। वतन को किसी कर लो, वतन को नहीं करेगा, वो भी रिजेक्ट कर गया। अच्छा वतन, एक सीरियस क्वेश्चन मेरे व्लॉग के लिए, आपको कैसा लगता है आपकी इतनी खूबसूरत बहन है? अरे दीदी पानी अटक गया गले में। अब यार व्लॉग के लिए अच्छा बोल, क्या कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? गणपति बप्पा के आगे झूठ बुलवा रही है, कुत्ता है ये कुत्ता, कह रही है व्लॉग के लिए अच्छा बोल। अभी मार्केट में हमने कम्प्लीटली एंट्री भी नहीं ली थी तभी हम भीड़ देख पा रहे थे, सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे थे, क्यों हमें क्यों नहीं पता था, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मुझे क्यों नहीं पता था इस मार्केट के बारे में। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बुक मिल रही थी, आपको नॉवेल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सारी बुक्स मिल रही थी, बस थोड़ा सा रेट लगाना पड़ रहा था, बट इतना सस्ता वो पहले ही बता रहे थे कि आपको वो वैसे ही सस्ती लग रही थी। और जो ये 50 रुपीज़ की सेल लगती है इसमें भी काफ़ी सारी नॉवेल्स होती है बट ढूंढना पड़ता है, और पेंट का कलरिंग का सारे सामान आपको यहाँ पे मिल रहे थे एक ही मार्केट में, आप कुछ भी ले लो। आप पैसे ज़्यादा हैं दीदी भी तो पेंटिंग ही करती हैं फेस पे, बहुत ही गंदा जोक था। पेन की तो बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा लेना है, और अच्छे रेट में। प्लस बच्चों की बुक्स जो मिल रही थी ना, फर्स्ट बुक से लेके उनकी क्लासेस की बुक्स तक यहाँ पे मिल रही थी। वो बियर वाला दिया ना फ्लफी सा, ये कितने की है? 80 रुपए। और आपको यहाँ पे डायरीज मिल रही थी इतनी सुंदर सुंदर कवर के साथ 100 रुपीज़ की, प्लस आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी फाइल्स भी मिल जा रही थी अकॉर्डिंग टू साइज, यहाँ पे रेट लगा रहे थे पर अच्छा था, कवर से लेके क्वालिटी तक काफ़ी अच्छी थी। तो आप आके यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो, ये मार्केट ओनली संडे को ही ओपन होती है दिल्ली गेट के पास, और यहाँ पे बच्चों की कलरिंग बुक भी बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी, इवन अगर आपको कलर करना पसंद है तो आपके लिए भी मिल रही थी, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बुक भी मिल रही थी।
कभी नहीं खत्म होगा, ये लिविंग थिंग नहीं है। इसका रीजन ये है, इसकी नींव घिसनी नहीं करूंगी। मैंने यूज किया है तभी मैं बेच रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। वही मैं बोल रही थी, आपने कभी लिखा नहीं किया तो बिल्कुल ना। नहीं शर्मा गए। मैं अपने स्कूल में मैंने ग्रेजुएशन किया है आत्माराम से, साउथ कैंपस से। मैंने स्कूल भी टॉप किया था, साउथ कैंपस वाले यही करते हैं, एक बेच रहा है खरीद रहा है। स्कूल भी मैंने टॉप किया था और कॉलेज भी मैंने टॉप किया था, बट डिवीजन आई थी मेरी फर्स्ट डिवीजन साउथ कैंपस। कभी ना खत्म होने वाला पेंसिल 70 स्कूटर पर। हम इतने सुंदर सुंदर बन के आए थे, दोनों की हालत देख लो, घूम घूम के हम पागल हो गए, पागल। पर हमने बहुत सारी शॉपिंग करी। हमने एक क्या था, कभी ना रुकने वाला पेंसिल, कभी खत्म ना होने वाली पेंसिल। वो कह रहा है मैं भी स्टूडेंट हूँ, इस मैंने ली थी पेंसिल। मैंने कहा हाँ, इसीलिए तुम पेंसिल बेच रहे हो। बेचारा, कोई ने उसको खड़े खड़े रोस्ट कर दिया और उसने मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे पीने आए हैं सिखन जी, इसके बाद मैं सोडा जरूर पीऊँगी। आई एम मिसिंग माई सोडा। जवान का सीक्वल क्या आएगा? सो वतन देख लिया लाल किला, अब चले। टिकट मिलेगी यहाँ? हाँ, अंदर जाने के लिए। सक्सेसफुली अपने आधे घंटे वेस्ट करने के बाद लास्ट में हमने वही ऑप्शन चूज करा जो हमें पहले ही चूज करना चाहिए था, ऑनलाइन पेमेंट का। और फटाफट, मतलब मुश्किल से मुश्किल हमें 2 मिनट लगे होंगे और टिकट हमारे फ़ोन पे आ गई है और हम अब करने जा रहे हैं एंट्री लाल किले के अंदर। मैं पहले भी आई हूँ पर वतन फर्स्ट टाइम। फाइनली एंट्री कर चुके हैं चांदनी चौक में। और चांदनी चौक लाल किला को मैं चांदनी चौक बोल रही हूँ, चांदनी चौक को लाल किला बोल रही हूँ। इतनी गड़बड़ हो रही है, भीड़ इतनी ज्यादा है, मैं क्या बोलूँ जनाब लोगों को, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? वो अच्छा गाइड है क्या? गाइड है। फोटो वोटो भी क्लिक हो रही है गेट पे। अरे यहाँ पे तुम्हारी फोटो खींच दूंगी। और ये रेड फोर्ट की मार्केट थी जिसमें काफी सारी वैरायटीज मिल रही थी। कुछ तो ओल्ड चीजें थी बट काफी सारी एंटिक पीसेस भी यहाँ पे मिल रही थी। और ये ब्रेसलेट एंड बैंगल्स एंड इयररिंग्स, चलो ये तो कॉमन है, आपको ये सरोजनी में मिल जाएगी। बट अगर आप रेड फोर्ट आते हो, थोड़ी सी अगर मेहंदी के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा था वो लग रहा था बेसिकली इसके एंटिक पीसेस। और यहाँ पे मेटल के पर्स भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे। तो जैसे कोई आपका पर्स चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा है तो आपके हाथ पे चेन रह गई है, पर्स को घुमा के उसके सर पे मार दो। ये किस चीज के हैं? मेटल का है। और शॉल, इतनी सुंदर सुंदर शॉल्स थी यहाँ पे। 500 रुपीज़ की सेल लगी थी, प्लस आप यहाँ पे शॉल खुद भी बनवा सकते थे। पश्मीना वगैरह जैसी शॉल चाहिए वो सारी मिल रही थी। और इयररिंग्स तो चलो मैं जहाँ जाती हूँ थोड़ा सा शूट कर ही लेती हूँ, बिकॉज मुझे इयररिंग बहुत पसंद है। वो तो इबंटी की ऐसे कलर की है उसकी, ये वाली है। वतन को पर्स पसंद आ गया, मेरी दादी भी ऐसा। क्या है? पेन है ये, चलता है, एक दिन नहीं है, पता नहीं। ये देखा तुम हमारी घर वाली तुम। ये देखो डेकोरेटिव पीसेस कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे मिल रहे थे ना, कितने बहुत ही प्यारे से और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहे थे पुराने टाइम के, बहुत ही एंटीक्स थे। और उसके साथ साथ आपको ये भी डेकोरेटिव पीस मिल रहे थे अगर आपको अपने टेबल वगैरह पर रखने थे। और ये डिब्बी तो पता नहीं किस काम आएगी,
पर कुछ ना कुछ तो रख ही लेंगे। फिर हमने देखा था ये कॉर्नर में डेकोरेट करने के लिए। उसके बाद ये बहुत ही एंटिक चीज़ दिखी थी, ये कैलेंडर, ये 2059 ईयर्स तक का कैलेंडर था। आपको बस इसको अकॉर्डिंगली सेट करना था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये जीनी, इसके साथ तो जीना बनता ही है। निकला कुछ जो हुकुम मेरे आगे। गाइस रॉक दिख चुका हमें, ड्वेन जॉनसन एट रेड फोर्ट। लाल किला देख लो गाइस, कितनी भीड़ है लाल किले में, इतनी ज्यादा। कैसा लगा आप, खुशी हो गई आपको? अब नहीं आएंगे दोबारा। दोबारा नहीं आएगा, इतनी भीड़ है ना। तो संडे को आ रखे और कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ मार्केट अच्छी है, अगर आप लोगों को एंटिक पीसेस वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है अदर जगह पे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो आपको ही मिलेंगी ना यहाँ पे ही मिलेंगी। गाइज यहाँ पे वतन को कैद करेंगे हम लोग। ये वो जगह है जहाँ पे वतन को कैद रखते थे इसके पुनर्जन्म में। ये देखो, ये रही वो जगह। वतन आपकी जेल है ना ये, जाओ कूद के। नीचे तो निकला था। और यहाँ पे हम लोग वो वीडियो शूट कर सकते हैं। रंग दे तुम हे घेरुआ, घेरुआ ही था ना। हाँ पहुँच गए सरिता विहार, और मैंने यहाँ पे ले लिया है रामनवमी की वाला लिया है वतन के लिए। ये मैंने लिया अपने अपने लिए। वैसे अंकल कह रहे हैं कि वो अपनी चटनी में लहसुन वगैरह नहीं डालते हैं, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि घर पे गणपति बिठाए लहसुन नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए मैं सूखा रामनवमी खाऊंगी। तो गाइस आप भी खा लो। सो गाइज मैंने स्किन केयर कर लिया, हेयर में अपना जेल लगा लिया और सारा चीज कर लिया। आईज इतनी ज़्यादा स्वेल इसलिए लग रही है बिकॉज रात के 3 बज रहे हैं और मैं सोने हो गई थी, और फिर मुझे याद आया मैंने वीडियो का एंड नहीं किया। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मेरा डेडिकेशन देख रहे हो आप लोग कि सोते सोते भी मेरे को उठ के वीडियो का एंड याद आता है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फटाफट फटाफट मेरे चैनल की इस वीडियो को ऐसे शेयर करें और मेरे वीडियो को इतना प्यार दें। जल्दी से 10K करवा दो यार। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, आई लव यू ऑल।